Hello everyone, my name is Kritika Parekh. I am an educator on an academy UGC NET. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है नेट पेपर वन में यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में कौन सा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हम बात करें पिछले 3 सालों के तो कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इवन कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, ये हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सो दोस्तों, जब भी हमारे सामने एनवायरनमेंट जैसा टॉपिक आता है तो ये इतना वाइल्ड टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन का के आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, इवन जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो हमारे माइंड में मोस्टली ये कन्फ्यूजन रहता ही रहता है कि आखिर हम करें क्या। जैसे आप जी देख सकते हैं GIF में भी कि एग्जाम में कई बार एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इतने टिपिकल आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ के गए हैं, लेकिन उस वक्त हमें एहसास होता है कि शायद हमने कहीं तो कमी छोड़ी थी। तो वो कमी ना रह जाए और एग्जाम में आपको रोना ना पड़े, आपके जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है वो सही हो, उसके लिए जरूरी है एक राइट स्ट्रेटजी का होना। हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे अपने स्मार्ट वर्क के जरिए अपकमिंग जून 23 एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट में कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके लिए जरूरी ये है दोस्तों कि हम एनवायरनमेंट के हमारे पुराने क्वेश्चंस को एक बार हम जरूर देखें कि फॉर एग्जांपल कि 2020 में आपके कितने क्वेश्चंस आए थे, 2021 में कितने पूछे गए थे, 2022 में कितने पूछे गए, किस टॉपिक से सवाल कैसे पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड ज्यादा है या मैचिंग के ज्यादा है। तो हमें अगर हम पैटर्न को देख लेते हैं तो हमें अपकमिंग एग्जामिनेशन का भी आइडिया लग जाता है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही बात आपसे करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके सामने कंप्लीट एनवायरनमेंट का सिलेबस है। अगर हम इस टॉपिक को देखते भी हैं तो इस टॉपिक में ही बहुत सारे सब टॉपिक्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इश्यूज, तो इसके अंदर हम ग्लोबल, लोकल, रीजनल, आपके हर तरह के पॉल्यूशंस, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो, उनसे रिलेटेड होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो क्या हमें ये सब पढ़ना है? लेकिन अगर हम देखें तो नेट एग्जाम में पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी 10 यूनिट्स हैं। इसका मतलब एनवायरनमेंट यूनिट की वैल्यू 5 से 6 क्वेश्चंस की होनी चाहिए। तो क्या एनटीए सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है? काफी लोगों का ऐसा मानना है कि 50 यूनिट है तो सॉरी 50 क्वेश्चंस है, 10 यूनिट है तो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आएंगे। बट गाइस, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस प्रेजेंट कर रही हूँ जिसके जरिए आप सिर्फ ये जाने कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से पूछे गए हैं। क्योंकि एग्जाम एनटीए का, जैसे ही आपको पता है कि 2020 जब आया था तो 2020 में कोविड था और कोविड ने एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था, और कोविड के बाद में 2020, 2021 और 2022 के पेपर्स हुए थे जिनका पैटर्न कंप्लीटली चेंज पैटर्न था। तो आइए हम भी आज बात करते हैं सबसे पहले 2022 के पैटर्न का, जो अभी अभी जो एग्जाम हुआ है, इससे जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों, हमने जो एनालिसिस किया तो वो ये कहता है कि 2020 में लगभग 35 शिफ्ट में पेपर हुआ था और लगभग लगभग 150 MCQs अकेले पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से पूछे गए थे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे होंगे, कुछ आपके इवन लाइनर क्वेश्चंस रहे होंगे, बट ये टेंटेटिव आइडिया है कि 150 क्वेश्चंस थे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉप टॉपिक क्या था। तो दोस्तों, इसका जो सबसे टॉप टॉपिक माना जाता है वो पॉल्यूशन था, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज, जिससे 65 क्वेश्चंस आए थे। और इसमें भी अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एयर पॉल्यूशन से 25, वाटर पॉल्यूशन से 12, सॉइल पॉल्यूशन से 7, नॉइस पॉल्यूशन से 5 एंड वेस्ट से आपके 2। और जब हम बात करते हैं मैचिंग के, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस सब तरह के पॉल्यूशन थे, मैचिंग से 9 सवाल पूछे गए थे। तो टोटल 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 MCQ सिर्फ एनवायरमेंट पॉल्यूशन से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है आपके रिसोर्सेज से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। डेवलपमेंट में SDG और MDG और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें SDG के 6 थे, MGD के 3 क्वेश्चंस थे और अदर से 4 सवाल आए थे। आफ्टर दिस अगर हम बात करते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड या फिर डिजास्टर से रिलेटेड, डिजास्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज मैन मेड। तो टोटल डिजास्टर से 11 सवाल आए थे, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि ड्राफ्ट, अर्थक्वेक, एवलेंचेस, फ्लड्स, उससे 8 सवाल थे, और मैनमेड डिजास्टर्स जैसे कि न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गया या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड 3 सवाल पूछे गए थे।
इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है डेवलपमेंट, तो सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में 12 क्वेश्चंस थे जिसमें हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल की बात करते हैं तो 5 सवाल थे, नॉन कन्वेंशनल में 7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम साथ ही साथ आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, उससे 3 सवाल, मॉन्ट्रियल से भी 3 सवाल, मैचिंग के क्वेश्चन जिसमें पेरिस, क्योटो, रामसर कन्वेंशन, एवरीथिंग, उससे 3 क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके 9 सवाल आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड पूछे गए थे। और अगर मैं अदर टॉपिक्स की बात करती हूँ तो ग्लोबल वार्मिंग से 9 सवाल थे, बायोडायवर्सिटी से 3 थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस थे, 5 सवाल आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों ये 2022 के पेपर का एनालिसिस था आपके सामने। तो आप एक चीज जान गए होंगे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से कितने सवाल थे, तो आप डेटा याद रखिएगा। अब क्योंकि अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ 2021 का डेटा, लेकिन उसके पहले 2022 में कुछ ऐसे टर्म्स भी आए थे जो शायद पहले नहीं आए थे, जैसे द कलर्स ऑफ हाइड्रोजन से आपके सवाल था, जो आपके लगभग ब्लू हाइड्रोजन से सवाल बना था, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन से सवाल पहले बन चुका था, ब्राउन हाइड्रोजन से बन चुका था, ब्लू हाइड्रोजन से बन चुका था। सो कलर्स ऑफ हाइड्रोजन से सवाल आपके पूछा गया था, हेलो कार्बन क्या है ये सवाल आया था, और ग्रे वाटर क्या है जिसमें क्लीन वाटर, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर, ये 3 इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लासेस लेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो अदर टॉपिक्स आते हैं जो हमें डायरेक्टली मेंशन नहीं होते हैं, वैसे भी सवाल एनटीए ने पूछे हैं 2022 में, तो पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे 2022 का, हमने पैटर्न देख लिया। अब चलते हैं 2021 का, सेम पैटर्न देखेंगे, 24 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 170 एमसीक्यूज अकेले एनवायरमेंट से आए थे, तो कंपैरेटिवली 2022 में कम हो गए थे 2021 के कंपेयर में। इसमें भी बात करते हैं अगर पॉल्यूशन के, तो पॉल्यूशन के 46 क्वेश्चन थे, एयर पॉल्यूशन से 15, वाटर से 21, सॉइल से 5 एंड नॉइस से 3, और ह्यूमन हेल्थ जिसमें इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या है उससे 12 सवाल पूछे गए थे। तो देखिए पॉल्यूशन फिर से नंबर वन पे है, 2022 में इसका रेशियो बढ़ गया था, 65 था, बट अब ये 46 है। इसके बाद में आप चलते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो 20 सवाल आए थे जिसमें एसजीडी से 15 एंड एमजीडी से 5, अदर नहीं था। इसके बाद में नेक्स्ट आपके आते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, तो डिजास्टर से 8 थे जिसमें नेचुरल डिजास्टर से 7 सवाल थे और मैनमेड डिजास्टर से 1 सवाल था। आफ्टर दिस बात करें अगर नेचुरल रिसोर्सेज की, तो 26 क्वेश्चन गाइस, ये एक रिकॉर्ड टूटा था 2021 में, 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें कन्वेंशनल से 10, नॉन कन्वेंशनल से 17 और अदर से 9। जैसे कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वर्ल्ड को आपको रीजन बेस्ड लगाना था, तो जैसे भी नेचुरल रिसोर्सेज आपके हो सकते थे उससे 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड विच वाज दी हाईएस्ट नंबर। इसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन से क्वेश्चन आए थे, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट उससे 8 सवाल थे जिसमें क्योटो से 2, मॉन्ट्रियल से 2, मैचिंग के 2 सवाल थे जिसमें मिक्स्ड थे, और एक पेरिस एग्रीमेंट था जिससे 2 सवाल पूछे गए थे। अदर्स की अगर अपन बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से 9, बायोडायवर्सिटी से 4, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से 3 सवाल, कोविड से भी 3 सवाल पूछे गए थे। और 2021 जैसा कि आपको पता है कि 20 के जस्ट बाद का ईयर था, तो कोविड जो था वो सबसे इफेक्टिव था, 3 सवाल इससे पूछे थे जिसमें कोविड का वायरस कौन सा है, कोविड के लिए कौन कौन से सेंटर्स बनाए गए थे, और क्या उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो कोविड 19 के क्वेश्चन 21 में, 22 में नहीं आया था, 21 में जरूर पूछा गया था। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं 20 के पेपर की, जो 2-3 साल पहले हुआ था, तो उसमें से 140 क्वेश्चन आए थे, 24 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, पॉल्यूशन के 54 क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन के 23, वाटर के 9, सॉइल के 7, नॉइस के 7 एंड ह्यूमन हेल्थ के 8 क्वेश्चन थे। बात करें अगर आपके डेवलपमेंट की, तो एसजीडी से 7, एमडीजी से 7, 0 अदर कहीं से नहीं था। नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं तो 4 थे और मैनमेड डिजास्टर से 2 सवाल थे। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो 14 सवाल नेचुरल रिसोर्सेज से थे, कन्वेंशनल से 5, नॉन कन्वेंशनल से 7 एंड अदर्स से 2 सवाल थे। बात करते हैं अगर प्रोटोकॉल्स की, तो एग्रीमेंट से रिलेटेड 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मॉन्ट्रियल से 4, अदर्स 9 क्वेश्चंस थे, क्योटो प्रोटोकॉल उसमें नहीं था। और बात करते हैं अगर अलग की, तो ग्लोबल वार्मिंग से 8, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम से 2, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से 1 और ओजोन से 2 सवाल आपके यहाँ पे बने थे। तो ओवरऑल अगर हम 2020, 21 और 22 के क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन, उसमें भी एयर पॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो मैंने आपके सामने एक कंक्लूजन में अगर प्रेजेंट करूं, तो मैं यही बोलूंगी कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन को हम नंबर वन पे रखेंगे, जिसमें स्पेशली एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन हमेशा एक वन बाय वन आता है, वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में देखेंगे। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, नेचुरल हजार्ड्स एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट,
ये आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अगर आपके ओवरऑल 150 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से ओवरऑल 150 में से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो जनरली हमारा फोकस उस टॉपिक पे जाना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम जिस शिफ्ट में होगा उस शिफ्ट में आपको एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली ओजोन हो गया या डिजास्टर्स हो गए उनसे। तो हम जो मैंने आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट किया है डेटा, ये सिर्फ मैंने रिसर्च इस पे इसीलिए करी है ताकि सिर्फ मैं आपको ये समझा सकूं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किस पे अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं हमारे और पिछले 3 साल का एग्जाम का पैटर्न क्या कहता है। तो हम भी इसी बेस पे आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। आज संडे हो चुका है और कल है 13 तारीख। कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है एनवायरमेंट का, जिसमें मैं मॉर्निंग में 10 बजे आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगी, और इन क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है जून 23। और हमारी जो शुरुआत होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉल्यूशन था, तो हम एनवायरमेंटल इश्यूज से हमारी क्लासेस की स्टार्टिंग करेंगे। जिस पैटर्न पे आज मैंने एनालिसिस किया है उसी पैटर्न पे आपके लिए मैं टॉपिक्स को भी लेकर आऊंगी और इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप मुझे कल से अनअकैडमी यूजीसी नेट पे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे साथ में अनअकैडमी का भी हिस्सा बन सकते हैं UGC 10 कोड की हेल्प से, जिससे आपको फ्री मेरी सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बहुत ही वैलिड ऑफर आपके लिए आया है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप रेफरल कोड UGC 10 अप्लाई करते हैं, तो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है डिस्काउंट, और 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे तो लगभग आपको 3,000 का बेनिफिट हो रहा है। जो सब्सक्रिप्शन 16,400 का है वो आपको 13,120 में मिल जाएगा। तो रेफरल कोड मेरा UGC 10 है, इसको अप्लाई करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नेट कैटेगरी का ही नहीं, किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन हो, इस कोड की हेल्प से आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है 855 टाइम आपको टाइप करना है और आपको कॉल लगाना है अनअकैडमी में, आपकी जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। अगेन थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे, लगे कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।